अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे। तो दोस्तों आज हम बना रहे हैं कलेजी, बीफ़ की कलेजी। बनाने का तरीका मैं आपको बताऊंगा। ये फ्राई बनेगी इसमें कढ़ाई में। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की तरफ से। सबसे पहले हमने ये लिया है, कलेजी ली है, ये तकरीबन 2 किलो कलेजी है ये हमने ली है। ये आप तो दोस्तों ये हमने लहसुन ली है, मिर्ची है, हल्दी है, नमक है, सफ़ेद ज़ीरा है और ये टमाटर है। तो दोस्तों अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, तो हम इसमें सबसे पहले जो है वो हम इसमें ऑयल छान। तो दोस्तों सबसे पहले हमें क्या करना है, ऑयल गर्म करना है। तकरीबन 1 पाव ऑयल लेना है। तो दोस्तों अब ये ऑयल हमने गर्म कर लिया है, ये आप देख लें। इसमें थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा हम शामिल करेंगे ताकि कलेजी में ये पकने देते हैं हम इसको। तो दोस्तों ये अब ये सफ़ेद ज़ीरा कड़कड़ा गया है, अब हम इसमें ये शामिल करेंगे कलेजी। ये बीफ़ की कलेजी है, ये इस तरीके से छोटे छोटे बूटियां करने हैं, ये आप देख लें ये इस तरीके से। तो दोस्तों ये आप देख लें, अब ये इसको हम खूब भुनेंगे ताकि इसकी ये बू स्मेल ये ख़त्म हो जाए। तो दोस्तों अब हम इसमें शामिल करेंगे ये इतनी सी लहसुन, ये अब इसमें हम शामिल कर रहे हैं ये इस तरीके से। अब सिर्फ़ हम इसमें थोड़ा सा नमक शामिल करेंगे, तकरीबन 1/2 चम्मच नमक इसमें डालना है अभी। बाकी अपने जायके मुजब सब डाल सकते हैं जितना भी चाहें। तो दोस्तों ये आप देख लें, अभी ये इसने अपना पानी छोड़ दिया है। अब हम इसको थोड़ा सा पकाया है और पकाने के बाद अब हम इसको जो है ये अभी इसको ढाप देते हैं, तकरीबन 15-20 मिनट तक ये पकता रहे ये, ताकि ये। तो दोस्तों ये अब घी पे आ रहा है, अभी हम इसको इसमें थोड़ी से ये शामिल करेंगे हल्दी और मिर्ची। तकरीबन 1 चम्मच मिर्ची डालनी है, 1/2 चम्मच हल्दी डालनी है ये इस तरीके से, ताकि ये शाइनिंग पकड़ ले। ये जो जितना भी सफ़ेद ज़ीरा था वो हमने इसमें शामिल कर रहे हैं, ये इसको इस तरीके से करके ये इसको इस तरीके से करके डालना है ताकि ये इसकी खुशबू हो जाए। ये अब ये आप देख लें, घी में इसको हम भून रहे हैं, ये इसको इस तरीके से भूनना है। आखिर में हम इसमें अभी ये शामिल करेंगे ये टमाटर मैंने काट के रखे हैं, ये इसमें ये इसको थोड़ा सा पकाना है। पकाने के बाद अभी इसको हम हल्की आंच पे ये टमाटर गलने तक हम इसको पकाएंगे ये इस तरीके से। अभी हम इसको ढाँप रहे हैं। तो दोस्तों ये आप देख लें, अब ये कलेजी तैयार हो गई है, घी पे आने वाली है ये। बिल्कुल इसका पानी जो है ये बिल्कुल ख़त्म करना है, टमाटर का पानी जो है इसमें वो ख़त्म करना है। घी पे इसको ले आना है, बिल्कुल मसाला चढ़ जाएगा तो ये तैयार हो जाएगी ये इस तरीके से।
तो दोस्तों ये अब तैयार हो गई है, ये आप देख लें मसाला इसके ऊपर चढ़ रहा है। तो दोस्तों मेरी गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और घंटी के बटन को दबा देना ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों ये आप देख लें, ये अब हम इसकी आग कम ख़त्म बंद कर रहे हैं। ये अभी मसाला इसके ऊपर चढ़ रहा है, ये देख लें बिल्कुल लजीज ज़बरदस्त और टेस्टी कलेजी तैयार है, भुनी हुई फ्राई। आप इसको तवे पे भी इसी तरीके से बना सकते हैं और इसमें कढ़ाई में भी आप इस तरीके से बना सकते हैं। तो ये दोस्तों ये देख लें, ये बिल्कुल तैयार हो गई है, अभी ये घी पे आ गई है। ये इस तरीके से इसको पकाना है, घुमाना है ताकि ये एक जैसा मसाला इसके ऊपर आ जाए। तो दोस्तों ये आप देख लें, अब हम इसको ये सर्व कर रहे हैं। ये आप देख लें दोस्तों, ये अब तैयार हो गए और अब हम मिलते हैं किसी नई और वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह निगाहबान, खुदा हाफिज़।